में भी कहा था। गुरुग्राम के जेवी इंटरनेशनल स्कूल की सेक्टर 37 ब्रांच में वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस वार्षिक महोत्सव को वसुदेव कुटुंबकम के तौर पर मनाया गया है, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपने हुनर को मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया है। छात्रों की प्रस्तुति ने वहां मौजूद अभिभावकों समेत सभी लोगों का मन मोह लिया, जहां छात्र छात्राओं ने भारत के अलग अलग प्रदेशों की संस्कृति को मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस समारोह में महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। जीएवी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन प्रदीप कौशिक की माने तो वार्षिक महोत्सव बच्चों को एक मंच प्रदान करता है, जहां बच्चे अपनी प्रतिभा को दर्शा सकते हैं। और इस बार वार्षिक महोत्सव की थीम वसुदेव कुटुंबकम यानी वन अर्थ वन नेशनल रखी गई थी, जिसमें छात्र छात्राओं ने मंच के माध्यम से भारत के तमाम प्रदेशों की झलकियां देखी। वहीं उन्होंने इस दौरान घोषणा करते हुए कहा कि जीएवी इंटरनेशनल स्कूल अब जूनियर विंग में भी कदम रखने जा रहा है और गुरुग्राम में जल्द ही 10 नए स्कूल खोलने की तैयारी है। इस मौके पर हरियाणा के पूर्व डीजीपी शील मधु ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि जीएवी इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को पर्यावरण के प्रति भी जागरूक करने का काम करता है। इस वार्षिक महोत्सव में नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर 18 साल तक के बच्चे शामिल हुए, तो वहीं बच्चों की प्रतिभा को देखने के लिए अभिभावक और कई गणमान्य व्यक्ति भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। श्री ने जब पिछली फरवरी में वहां आए थे डीएलएफ यानी सचिन में, तभी उन्होंने बता दिया था, जैसे अभी पटौदी के लिए बता दिया श्री राम आगमन की थीम रखेंगे। तो मेरे ख्याल से महाराज जी जब बोलते हैं तो हमारे लिए तो पत्थर की लकीर हो जाती है, और समाज उस चीज को जब देखता है सुनता है तो फॉलो करने का मन करता। वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती मेरा परिवार है। तो हमारे जी के श्रीमुख से और आज की जो केंद्र में सरकार है उनकी श्रीमुख से, मोदी जी के श्रीमुख से सारे मेरे परिवारजनों, तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया थीम आज की डेट में क्या हो सकती थी। बच्चों ने अलग अलग अपने 29 स्टेट को प्रेजेंट करा, आप लोगों ने अपने कैमरे के माध्यम से कवर करा, और फिर हर तरीके की डांस परफॉर्मेंस से, और सारे वक्ताओं ने, चाहे सील मधुर जी थे, महाराज श्री थे, और बाकी जिन लोगों को भी मंच मिला, उन्होंने वसुदेव कुटुंबकम को हमारी थीम को चरितार्थ करने की कोशिश करी। बच्चों का टैलेंट नो डाउट, यदि 29 तरीके की परफॉर्मेंस होंगी, 29 राज्यों की परफॉर्मेंस होंगी, और फिर वर्ल्ड वाइड परफॉर्मेंस होंगी, तो टैलेंट निखरता है। और एनुअल फंक्शन, जो मैं बार बार कहता हूँ कि सीसीटीवी के केस में पेरेंट्स कहता है प्राइवेट स्कूल में कि हमें रिकॉर्डिंग चाहिए, ये रिकॉर्डिंग उन्होंने खुद अपने आंखों से करी, अपने मोबाइल से करी, कि कितने अच्छे तरीके से इंटरनेशनल परिवार अब आपके सहयोग। देखिए, ये तो एक सच्चाई है, इटर्नल ट्रूथ है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ था। और ये जो है एजुकेशन के फील्ड में इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं कि एजुकेशन में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का आजकल अंदर आ गई है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, तो पूरा विश्व की जो सूचनाएं हैं, पूरे विश्व की जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो कितना आसान हो गया शेयर करना। तो इसलिए ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना को और भी मजबूत करता है, जो शिक्षा की और उसके साथ जो टेक्नोलॉजी की प्रणाली जुड़ी हुई है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी, वास्तव में पूरा वर्ल्ड जो है एक वसुधैव कुटुंबकम के रूप में माना जाएगा। और वसुधा में मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये एकेडमिक एजुकेशन की बात नहीं है, वसुधा मतलब होता है पृथ्वी यानी अर्थ। अर्थ पे क्या क्या है, पानी भी है, अर्थ पे जंगल है, पेड़ है, पौधे हैं, जंतु हैं, चिड़िया हैं, तो वो सब हमारे जीवन के पार्ट हैं। उनमें बैलेंस बनाना भी हमको ये भावना बताती है कि किसी चीज का विशेष दोहन नहीं किया जाए, कि हम अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए या मटेरियल प्रोग्रेस के लिए कोई बहुत बड़ा छेड़छाड़ करें पर्यावरण से। गुरुओं की नगरी मेरा गुरुग्राम कहलाता रहा है, और आज यहाँ पर जो गुरुजन हमारे जीवन निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं, वो आज विद्यालयों में पढ़ाने वाले हमारे शिक्षक हैं, जिनके माध्यम से विद्यार्थी के जीवन का निर्माण होता है। माता पिता जन्म देते हैं, जन्म देने के बाद बच्चे की परवरिश होती है, और उसके बाद एक समय आता है कि बच्चे को विद्यालयों में भेजा जाता है, गुरुजनों के सानिध्य में भेजा जाता है। मैं समझ सकता हूं कि आज के वर्तमान युग में जो भौतिकवाद का युग कहलाता है, इस युग में विद्यालयों की भूमिका बहुत अहम है, और उसमें विद्यालय अगर पूरी तरह से सजग है, जागरूक है कि हमने आने वाले भविष्य का निर्माण करना है, क्योंकि बच्चे राष्ट्र का भी, समाज का भी, परिवार का भी, और अपने जीवन का भी वो भविष्य हुआ करते हैं।
निर्माण करना है तो उसमें उनको अच्छे संस्कारों की आवश्यकता है, जीवन पद्धति उनकी कैसे बने, जीवन का निर्माण कैसे हो। मेरा ये जीएबी इंटरनेशनल स्कूल, ये पूरा ग्रुप बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है। मुझे महती प्रसन्नता कि ये विद्यालय इतना प्यारा काम कर रहा है कि यहाँ पर मैं देखता हूँ कि विद्यार्थियों को सही मायनों में केवल एक अक्षर ज्ञान नहीं, वो जरूरी है, अक्षर ज्ञान भी उनको हो, पुस्तक ज्ञान भी उनको हो। और उसके देखिए पिछले डीएलएफ के फंक्शन में महाराज श्री ने स्वयं कहा था, अयम निजह परो वेति गन्ना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। तो करण मैं ये कहूंगी कि ये थीम एक भारतीय संस्कारों की ही थीम नहीं है, ये तो पूरे यूनिवर्सल ब्रदरहुड की थीम है। और ये प्रेरणा पिछले प्रोग्राम में महाराज श्री से ही हमारे स्कूल के डायरेक्टर्स ने, प्रिंसिपल्स ने ली, और इस थीम को लेते हुए चलते हुए आज हमने इस एनुअल डे का थीम रखा। और उसके बाद इसके ऊपर जो बच्चों ने आपने आज प्रोग्राम देखे होंगे कि डिफरेंट कंट्रीज़ का, डिफरेंट स्टेट्स का, इंडिया के संस्कारों का, इनफैक्ट अध्यात्म के टाइम का भी सारा संस्कार और सारा कल्चर आज दिखाया है बच्चों ने। किस तरह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी सहयोग मिलता है इस तरह के कार्यक्रम से? जी एनुअल डे किसी भी स्कूल का एक बहुत बड़ा मंच होता है जहां वो अपने पूरे साल की गतिविधियों को प्रदर्शित करने में सक्षम हो पाते हैं और बहुत अच्छे से प्रदर्शित कर पाते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स से लेकर कल्चरल आइटम से लेकर और सारे उनके पूरे वर्ष की अचीवमेंट्स को प्रदर्शित भी किया जाता है।